स्पेनिश वर्ड है, सामने देखे बताओ, इसका मीनिंग होता है बैट। ये बैटमोबाइल से इंस्पायर्ड है, बैटमैन की। एंड ऑब्वियसली इसका यूनिक आगे का आई कैचिंग लुक है, एंड इट्स कॉल्ड द डुअल व्हील डिजाइन। एंड इसके भी टू यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि द पेडल पैडल सिस्टम आई कॉल इट, यानी कि इसमें दो एक्सेलरेटर हैं, वन कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द फुट एंड द अदर वन ऑन द हैंडल हियर, सो अ पेडल एंड अ पैडल। एंड माय कार इज आल्सो डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम इनेबल्ड एंड EDFS इनेबल्ड, सो इट आल्सो क्लीन्स द एयर एक 3 फीट रेडियस में। शाबाश। निराशित बैटरीज है और ये ईच से 12 वोल्ट्स का है, तो चार सेट ऑफ बैटरीज है, तो इन टोटल दैट इट हैज़ 48 वोल्ट्स एंड इट पुट्स आउट 1.4 हॉर्स पावर। तो मेरा मिशन था कि एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाऊं और एक ब्राइटर एनवायरनमेंट बनाऊं। तो इसमें आप जैसे मैंने डिज़ाइन कंस्पिरेशन लिया बलेरो से, महिंद्रा बलेरो एंड एरियर तो V8। तो इसमें एक स्पेशल सिस्टम भी है DFS, डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जैसे कि अभी जय ने एक्सप्लेन करा था। तो मतलब फुल फॉर्म ऑफ GSM, GSM मींस गर्विंद सिंह मोटर्स। तो ऐसे इसका R&D में 1.2 लाख लगा है, मैं इसको सेल करूंगा मे बी 2 लाख। हाँ मैंने इसको ड्राइव करा है। प्रैक्टिस करता हूँ। कितने किलोमीटर की रफ्तार में चला लेते हो? आई मीन 40 किलोमीटर मैक्सिमम पर चला लेते हो। अपने मम्मी पापा को लेकर चलाया हो? अभी फिलहाल नहीं। व्हाट अबाउट यू, तुम कितने में कार बेचोगे अपनी? मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं सीख करता हूं, तो बिकॉज इट्स फॉर अ गुड कॉज, सो मैं मिनिमल प्रॉफिट पे सेल करूंगा। तो इसको खर्चा है बनाने में, इसको रिप्रोड्यूस करने में 90,000 रुपीस लगेंगे। तो अभी तो इसमें 1.9 से 2 लाख लगे, बिकॉज सारी रिसर्च हमने करी, सारा डेवलपमेंट करा। बट अगर फिर से बनानी होगी तो 70,000 to 90,000 में बन जाएगी, तो मैं अराउंड 1 लाख में सेल करूँगा। मेरी गाड़ी बनी है अराउंड 1.5 लाख पे, तो मैं मिनिमम प्रॉफिट या कुछ भी प्रॉफिट नहीं लूंगा, 90,000 में करूँगा, ताकि प्रदूषण भी कम हुए और दुनिया भी बचे। उधर वातावरण में तुम लोग का फोटो हो रहा है, ये हमारे लिए घर की बात है कि और ये हमारे भारत के बडिंग इंजीनियर से साइंटिस्ट हैं, दुनिया में एक इलॉन मस्क के सर पर लखनऊ में 4 हैं। और सर इन बच्चों ने हारना सीखा है बट हार मानना नहीं सीखा है। शाबाश, ये कितनी बड़ी बात कहते हैं, हारना सीखा हार मानना नहीं सीखा। अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे, जीतेंगे कैसे सर? बगैर हारे कोई जीत नहीं सकता। और हारना ज्यादा जरूरी है, जब जब हारेंगे तो सीखेंगे। जीतता वो जो हारने से सीख करके आगे बढ़ता है। जी सर, जी सर। और जो हार जाता है सीखता नहीं, वो फिर बार बार हारता रहता है। जी सर। बच्चे लोग, ये इंस्पिरेशन गुरुदेव ने ही डाला है, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, और ऑल क्रेडिट गोज टू सारा क्रेडिट इनको जाता है। इन बच्चों की प्रतिभा को इन्होंने समझा और उसको आपके सामने है कि हम लोग दुनिया के सबसे छोटे बच्चों ने। जी सर। और सर कुछ लखनऊ का नाम नहीं रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, लेकिन उसकी गाइडेंस पूरी प्रेरणा स्रोत सर किंग मेकर बनना चाहिए, किंग नहीं। तो सर कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है सर इंसान की जिंदगी के लिए, तो इन बच्चों को सर ऐसा प्रेरणा देनी है सर कि ये पूरे विश्व में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आए। और सर अब जिस तरह भारत 5G स्पेक्ट्रम में एंटर कर चुका है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2070 तक जीरो एमिशन इंडिया बनाना है, ये सर उसकी एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है एक बड़े मिशन के लिए।
और सर यकीन है सर अगर आपका आशीर्वाद मिला सर आज इतना मोटिवेशन है कि इस मिशन को सर भारत जरूर पाएगा और एक नए युग से सर आज का युग सर आगे बढ़ेगा और पूरे नाम पूरे विश्व में सर सबका नाम रोशन होगा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मिलिंद जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इन बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक बना दिया। ये नन्हे वैज्ञानिक आने वाले समय में बड़े वैज्ञानिक भी बनेंगे क्योंकि जो इनमें एक आपने बीज बोया है कुछ नया चीज करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो कि सामाजिक आवश्यकता को पूर्ति करने वाला हो। क्योंकि देखिए अभी आपको देखा होगा, कल आपने अखबार में देखा होगा, अभी लखनऊ को पॉल्यूशन फ्री काम करने के लिए अभी पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार है। ये हमारे शहर के लिए कितने गर्व की बात है कि यहाँ का क्लीन एयर के प्रोग्राम में अभी लखनऊ को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसको करने के लिए सब एक को उसमें मिलकर के काम करना, तब हमारा जो है शहर साफ होगा। और इन बच्चों ने सबके लिए एक नई प्रेरणा दी है कि इन्होंने डस्ट फ्री, मैंने डस्ट फ्री सिटी बनाने के लिए डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम कार में ही लगा दिया। तो जैसे कि आप जब चलते हैं वो हमारा जो कूड़े साफ करने वाली मशीन होती है वो कूड़े को साफ करती है, तो कूड़े को साफ करने की जगह ये हवा को साफ करते हुए जा रही है कि आसपास में सामान्य तौर पर जब गाड़ी जाती है उसमें धुआं निकलता है तो आसपास में लोगों को एक पॉल्यूशन होता है, ये उल्टा उस पॉल्यूशन को सोख रहे हैं। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP26 ग्लासगो में हुआ था वहाँ पे उन्होंने एक विज़न दिया था और वो विज़न था कि हिंदुस्तान 2070 तक नेट जीरो एमिशन पे पहुँचेगा। नेट जीरो एमिशन में तो पहला तो हम एक एमिशन कम करेंगे, जितना एमिशन होता कम करेंगे, और जो एमिशन हो भी रहा है बहुत आवश्यक है उसके बगैर काम नहीं चलेगा उसको हम एब्जॉर्व कर लेंगे, यानी नेट जीरो एमिशन हमारा देश का होगा 2070 तक। 70 बहुत दूर नहीं, अगले 5 दशक के बाद हम 2070 में होंगे तो देश नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा। और नेट जीरो बढ़ने के लिए ये जो तमाम जो बच्चों ने प्रयास किया, क्योंकि ये तो देखिए एक बीज है और वो बीज किस दिन बट वृक्ष बनेगा आपको पता नहीं, और बनना है। जब बीज अगर एक अच्छी बीज पड़ गया तो वो तो बट वृक्ष बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे जो है ये बच्चे और भी बच्चों के लिए प्रेरणा होंगे। जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के भी मैं जगदीश गांधी जी को और उनके पूरे टीम को भी बधाई देता हूँ। अभी जब इनका जो है मैंने रोबोटिक्स सेंटर में जाकर के आपका देखा था तो किस प्रकार से रोबोटिक्स में देश दुनिया में जाकर के आप नाम कर रहे हैं और कैसे आज रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी सारी संभावना लेकर के निकल रहा है। तो उस चीज़ के लिए बच्चे जो शुरू से ही अगर उनमें बीज पड़ेगा कि रोबोटिक्स के बारे में क्या उसका स्ट्रेंथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्ट्रेंथ है, कैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप उसका यूज़ कर सकते हो, कैसे मशीन लर्निंग का प्रयोग करके आप चीज़ों को जो रिपीटेटिव प्रोसेस है जो कि हम लोग इटरेटिव प्रोसेस है उस चीज़ को जो ह्यूमन ड्रजरी को कम करके मशीन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चों में इस प्रकार की वैज्ञानिकता का जो जड़ है उसको आप जब अगर भरे हुए तो जड़ अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो ऊपर से तो फसल तो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन बच्चों को। और देखिए नाम भी कितना माँ बाप ने बढ़िया रखा है, अविन श्रेयांश कितना प्यारा सा नाम है, गर्वित, विराज और आर्य, मैंने चारों के चारों नाम ये पहले से इनको सोच कर रखा था कि ये हमारे इतने सुंदर नाम है कि इन बच्चों में पहले से माँ बाप ने पाला भी तो वहीं से भर दिया था कि जो इनको ऐसे इतना अच्छा नाम दे करके। और ये जो श्रेयसी लाइन है, अच्छा इस फ्रॉम मिलेनियम स्कूल, ठीक है, अच्छा, तो मुझे लगा कि सारे वो सिटी, अच्छा ये अलग वो ब्रांचेस, चले ठीक है। तो ये अच्छा तो मैं मुझे जानकारी ये नहीं दिया था मिलिंद जी ने, क्योंकि इनकी मेरी मुलाकात हमारी हुई थी वहीं पे सिटी मॉन्टेसरी में, मुझे लगा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का। तो मिलेनियम आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, आपके जो स्कूल, मैं अपने को करेक्ट करता हूँ कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल, आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम करा। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का भाव लाने की जरूरत, दोनों चीजें, मैंने हमारे तरफ एक तरफ बच्चों में वैज्ञानिक सोच और दूसरा में सोशल भी, तो दोनों एक साथ हमारे एक
कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे काम करते हैं। तो वैज्ञानिक सोच होगी तो बहुत सारी चीज को आप एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, उसको किस प्रकार से हमारी ह्यूमन लाइफ में आ सकता है। दूसरी तरफ एक सोशल सोच जिसमें इंक्लूसिविटी होगी, जो लोगों के बारे में ह्यूमन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ह्यूमन जो लाइफ के जो इतने सारे उन चीज़ों के बारे में आप करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों का एक संपूर्ण विकास होगा। तो इस काम को जो आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए उनके माँ बाप को भी, उन सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए इतना सुंदर आपको पीछे ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा भाई, ये पूरा जो है अपने स्टैटिक कर इसको जरा स्टार्ट करिए, डायनेमिक इसको सेलिब्रेट करिए। ये जो कैन वी स्टार्ट दिस विधान भवन का पूरा लाइटिंग, डायनेमिक फसाड लाइटिंग इसको तुरंत शुरू करिए। तो फिर बच्चों चलो हम तुम्हारे साथ अब कुछ मिठाई खाते हैं, आ जाओ।